हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी आपने जब भी बनाई होगी उसे फ्राई करके बनाई होगी। आज हम कटहल की सब्जी को फ्राई नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बहुत ही कम घी तेल के साथ और बहुत ही हेल्दी तरीके से आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी, और उसे बनाएंगे आज हम प्रेशर कुकर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी कटहल की एक ऐसी सब्जी जो आप एक बार बनाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत हो गई बातें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। कटहल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कुकर में 2 ग्लास वाटर बॉईल होने रख दिया है, क्योंकि आज मैं कटहल की सब्जी को फ्राई करके नहीं बॉईल करके बनाऊंगी। इससे वो हेल्दी भी रहेगी और साथ के साथ उसका टेस्ट भी एनहेंस होगा, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे कैसे। तो कटहल हम कट कर लेते हैं। कटहल मैं मार्केट से कट वाला ही लाई थी जो कटा हुआ मिलता है, लेकिन फिर भी मैं इसके जो बीज होता है उसके ऊपर जो छिलका आता है मुँह में वो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं इसे और कट कर रही हूँ। तो इसके जो बीज हैं वो इस टाइप से मैं निकाल लूँगी और उसके ऊपर ये जो येलो सा पार्ट होता है इसे मैं रिमूव कर दूँगी, क्योंकि ये मुँह में आता है तो बहुत अजीब सा लगता है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को, बट मैं कट करती हूँ। इस टाइप से क्या होता है सारे बीज भी अलग हो जाते हैं और वो खाने में बाद में अच्छे भी लगते हैं। और आप इन बीजों को अगर कटहल में नहीं भी डालना चाहते हैं तो इनकी भी सब्जी आप अलग से भी बना सकते हैं, तो आप एक सब्जी से 2 सब्जियाँ भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए कटहल मैंने एक साइड कट कर लिया था और पानी भी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कटहल जो मैंने कट करके रखा है, और सिर्फ कटहल ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। मैं इसके अंदर कोई सॉल्ट कोई भी मसाला भी ऐड नहीं करूंगी। ये देखिए सारा कटहल मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पोटैटो। मैं आज कटहल की सब्जी में पोटैटो भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 आलूओं को छील के कट कर लिया था और अब मैं इसे लिड को लगा दूंगी और एक विसल के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पे प्रेशर कुक करूंगी। और ये देखिए एक विसल आ गई थी, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और जब ये अपना प्रेशर खुद ही रिलीज कर देगी उसके बाद मैं कुकर ओपन करूंगी। और ये देखिए इसका प्रेशर अपने आप ही ख़त्म हो गया था, उसके बाद ही मैंने कुकर ओपन किया था। और आप चेक कर सकते हैं कि कटहल आपका बॉयल हुआ है नहीं, और आप इसमें आलू जो है वो निकाल के चेक कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी कटहल है वो भी बॉयल हुई है या नहीं। और ये देखिए आपको, क्योंकि अभी इसे ओवर बॉयल नहीं करना है क्योंकि हमें इसे आगे भी बहुत सारे प्रोसेस करने हैं, तो मैंने जस्ट इसमें एक ही विसिल लगाई है। और ये देखिए अच्छे से हमारा कटहल है वो बॉयल हो गया है, और बहुत ज़्यादा पानी के अंदर नहीं रखूंगी मैं इसे। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूंगी स्ट्रेनर में। ये देखिए मैंने इसे स्ट्रेनर पे इस टाइप से निकाल दिया कि इसका सारा वाटर निकल जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं एक और प्रोसेस करूंगी, वो है ये। यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल 1 टीस्पून, बहुत कम ऑयल डाला है। इसके साथ डाला है 1 टीस्पून हल्दी, और इसके साथ मैं इसमें कटहल ऐड कर दूंगी। इससे क्या होता है जो कटहल है उसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है और साथ के साथ टेस्ट तो उसके अंदर आ ही जाता है, क्योंकि आप ऑयल के साथ हल्दी के साथ और सॉल्ट के साथ उसे सॉटे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, वो फ्लेवरफुल हो जाता है, जो उसका टेस्ट है कटहल का एनहेंस हो जाता है। और जब आप आगे उसकी ग्रेवी बनाएंगे सब्जी बनाएंगे तो आपका जो कटहल है वो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे ऐसे ही कुक कर लूंगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और इस कटहल को हाई फ्लेम पे मैं 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगी। ये देखिए मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ था और अच्छे से मुझे इसे फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर आ जाए ब्राउन कलर की। और ज़्यादा चलाइएगा मत आप इसे, क्योंकि टूट सकता है ये, क्योंकि हमने बॉईल किया हुआ है। और अब मैंने इसे साइड में निकाल दिया है और अब मैं इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए यहाँ पे लिए मैंने खड़े मसाले, उसमें है काली मिर्च के दाने, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हमारी सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग और हमारे बे लीव्स। जो इसमें बड़े दाने हैं इलायची, काली मिर्च और लौंग, इन्हें मैं कूटनी में कूट लूँगी और बाकी साबुत ही यूज करूंगी। कुकर में ले लिया 1 टीस्पून ऑयल, इसमें ऐड कर दूंगी जीरा, रेड चिली, ड्राई रेड चिली और हमारा जो तेज पत्ता है वो ऐड कर दिया। और बाकी जो खड़े मसाले थे उन्हें मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इन्हें हल्का सा मैं सॉटे कर लूंगी मसालों में, भून लूंगी मैं। जब हमारा जो जीरा है वो चटकने लगेगा उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अनियन। ये देखिए इस टाइप से अच्छे से आपको फ्राई करना, और ध्यान रखिएगा जो इलायची है दोनों इलायची को अच्छे से कूट लीजिएगा, वरना वो ऑयल में जाके चटक सकती है, फट सकती है और वो आपके फेस पे आ सकती है। यहाँ पे मैंने 3 अनियन लिए हैं, मैंने इन्हें रफली चॉप किया है, मैंने फाइनली चॉप नहीं किया है क्योंकि मुझे इसमें एक स्टेप करना है। अब वीडियो में बने रहिए, मैं बताती हूँ वो भी स्टेप कि आप इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी आपको इस सब्जी में बनाने में और झटपट बन जाएगी। यहाँ पे ऐड किया है 1 अदरक ग्रेट करके और 6 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की ऐड की थी चॉप करके,
और मैंने जैसे आपको बता रही थी इस वाली सब्जी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, आपको जस्ट अब मैंने इसमें अनियन और जो अदरक और लहसुन ऐड किया इन्हें मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, जस्ट इतना ही फ्राई करूँगी जो हमारी प्याज है वो थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो जाए, और ये प्रोसेस मैं स्लो फ्लेम पे कर रही हूँ। और ये देखिए हमारी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, मतलब हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो गई, बहुत ज्यादा मैंने इसे फ्राई नहीं किया। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुछ मसाले। मसालों में मैं ऐड करूंगी 3 से 4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, जो हमारा धनिया पाउडर है तो मैंने घर में ही पीसा है ये वाला पाउडर भी, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी, और जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और इन्हें मैं अच्छे से अनियन के साथ फ्राई और कर लूँगी, क्योंकि मसालों को भी भूनना बहुत ज़रूरी होता है, मसालों का फ्लेवर एनहेंस होता है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 ग्लास वाटर। वाटर मैं इस टाइम पे इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे मसाले जले ना, और मुझे इसमें एक और प्रोसेस करना है, वो है कि मुझे ये जो मैंने अनियन और अदरक लहसुन डाला है और जो मसाले डाला है इनको मैं करूँगी बॉयल। बॉयल लगाने का रीज़न ये है कि जो हमारे मसाले हैं उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है बॉयल करने की वजह से। उससे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सॉल्ट। सॉल्ट आप थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा क्योंकि हमने जो हमारा कटहल है उसमें पहले भी सॉल्ट ऐड किया है फ्राई करते टाइम, तो थोड़ा आप ध्यान से ही ऐड करिएगा सॉल्ट भी। और अब मैं क्या करूँगी, कुकर बंद करके 1 सीटी लगाऊंगी इसे हाई फ्लेम पे, सिर्फ एक ही विसिल लगानी है आपको इस पे, और जब विसिल आ जाएगी उसके बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे। ये देखिए इसमें एक विसिल आ गई थी और वो प्रेशर अपने आप ही रिलीज हो गया था, और देखिए वाओ, देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर आ गया, जस्ट हमने कोई मेहनत नहीं करी, हल्का सा सॉटे किया था अनियन को, थोड़े मसाले डाले थे और इसे बॉईल कर दिया। हेल्दी की हेल्दी रहेगी ये रेसिपी, और साथ के साथ स्वाद तो इसका इतना अच्छा आने वाला है कि आप अपनी कोई भी अच्छी से अच्छी मार्केट की रेसिपी भूल जाएंगे इसके सामने। ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे ज़रूर, आप देख लीजिएगा। इसके साथ अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये भी मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसके साथ डाल रही हूँ 2 टीस्पून मीट मसाला, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मीट मसाला जैसे एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला मसाला होता है, इसमें मीट नहीं होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी इस रेसिपी में। अगर ये आप ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप किचन किंग मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून कर्ड, ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर ली हुई कर्ड ली है। अब मैंने जो ये कर्ड ऐड की है इस टाइम पे मैंने गैस को ऑफ किया हुआ है, और इस टाइम पे अब मैं मसालों के साथ कर्ड को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी भी मैंने जो गैस है वो ऑफ की हुई है, ये देखिए जब हमारी कर्ड अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाएगी उसके बाद मैं इसकी गैस ऑन कर दूंगी। और अच्छे से मैश कर लीजिएगा आप स्पून की हेल्प से, इस टाइप से जो कर्ड है वो भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी करी के अंदर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है कस्तूरी मेथी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया था रेड चिली पाउडर। और अब मैं इसमें कटहल ऐड कर दूंगी बॉयल किया हुआ, और कटहल को मैं इसके अंदर ऐड करने के बाद बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसे मिक्स कर लूँगी मसालों के साथ, क्योंकि हमने कटहल को बॉईल किया हुआ है। और इस टाइम पे मैंने अब आके गैस ऑन कर दी थी, इससे पहले का प्रोसेस जो भी मैंने किया है उसमें मसाले डाले कर डाली उस टाइम पे मैंने गैस ऑफ कर रखी थी, क्योंकि हमारी कर्ड जाके मसालों के साथ फट सकती थी अगर हम गर्म उसमें डालते तो। और अब मैं मसालों के साथ कटहल को देखिए कितने हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, इसी वजह से यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कटहल हमारा हमने बॉईल किया हुआ है एक विसिल के लिए, तो वो टूट सकता है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 ग्लास वाटर। वाटर आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कम भी ऐड कर सकते हैं, आपको जैसी थिक ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसमें वाटर ऐड कर लीजिएगा। और अब मैं कुकर बंद करके 1 विसिल के लिए इसे कुक कर लूँगी, सिर्फ एक ही सीटी लगानी है इसे हाई फ्लेम पे, और जब ये अपना प्रेशर खुद रिलीज़ कर देगी, ये देखिए इसमें प्रेशर रिलीज़ हो गया था, 1 सीटी आ गई थी। और अब आप देखिए हमारी जो सब्ज़ी है, देख रहे हैं आप कितना अच्छा रोगन आया है इसके ऊपर, एकदम ही नॉन वेज जैसी सब्ज़ी लग रही है, जैसे आपने मटन बनाया है सेम उसी का लुक दे रही है। तो आप अगर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, तो ये तो सब्ज़ी मैं तो बोलूँगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनानी, एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। हमारी सब्ज़ी तो बनके अल्टीमेट सी तैयार हो गई है, इसमें ना तो हमने बहुत ज़्यादा घी तेल यूज़ किया है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर मसाले यूज़ किए हैं। और ये देखिए मैंने इसका जो बीज है उसे मैश करके देख लिया था, हमारा जो कटहल है वो भी अच्छे से गल गया और बहुत ज़्यादा मैशी भी नहीं हुआ है, ये देखा आपने, हमने इसे बॉयल भी किया और बहुत ज़्यादा मैशी, एक एक पीस आपको अलग इसमें दिख रहा है। अब हम कर लेते हैं इसे सर्व। सर्व करने के लिए मैं इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और
वॉइस ओवर देते देते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसे इसमें से निकाल के खा लूँ। लिटरली बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी। ये रेसिपी आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और इसे रोटी के साथ और चावलों के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। आप एक बार बनाएंगे इसे बार बार बना के खाएंगे, और अगर किसी के सामने अगर आप इसे सर्व करेंगे तो डेफिनेटली इसकी रेसिपी तो आपसे ज़रूर ही पूछेगा। आप ये हेल्दी सी कटहल की सब्ज़ी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और हेल्दी रहिए, घर पे रहिए। तो अगर आपको मेरी ये अच्छी सी थोड़ी डिफरेंट सी कटहल की सब्ज़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, थोड़ी नई लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे और अच्छी और ईजी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।